बहुत हंगामा है पाकिस्तान में कई दिनों से, हम देख रहे हैं गवर्नमेंट में भी और बाहर भी, क्योंकि अमेरिका आपको पता है प्रेशर रखना चाहता है, अभी भी रखा हुआ उसको। यूरोप के साथ हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे नहीं है, खराब है इस वक्त। और इमरान खान साहब का एक खास किस्म का नजरिया है, इमरान खान साहब बड़े खुश थे कि मैं 12 रबी अलवल बना रहा हूँ, सारे पाकिस्तान में मैंने लाइटें लगवा दी है, ये डीआरबी वाले नहीं आएंगे यहाँ पे, मैं सारा बरेली सुनी वोट मैं खेचूंगा। और क्या फायदा है थोड़ा साढ़ा इस गल देना हो, वो हम वहीं खड़े हैं जहाँ पे थे। इमरान खान साहब जिस तरह उस दौर में भुट्टो साहब मजहबी जमातों से डरते थे ना कि यार मजहबी जमातों का डर है, चलो मैं जुमे इतवार की छुट्टी जुमे को कर देता हूँ, शराब भी बैन कर दी, फलानी चीज बैन कर दी, उनके डर से ही करते रहते हैं। हमारे लीडरान इतने डरपोक हैं, इतनी पावर के भूखे हैं ये लोग कि इनको अपना नजरिया भूल जाता है और ये खौफ के लालच में जो है सारी तब्दीलियां करते रहते हैं। भुट्टो साहब ने भी ये किया, ठीक है। उसके बाद इमरान खान साहब ने भी जो है इसी को आए थे, मैं एक प्रोग्रेसिव मॉडर्न रियासत बनाऊंगा, जब भी अपोजिशन में होते थे इंग्लैंड की मिसाले देते थे, जब से हुकूमत में आए चाइना और रियासत मदीना की मिसाले देते हैं, ठीक है जी। अब वो 1400-1500 साल पहले की रियासत मदीना, और वो एक जारी बात है, वो हम कहाँ उतरे जो गए हैं, इतने हम वो रियासत मदीना कहाँ इम्प्लीमेंट हो सकती है। साहब ये लोग बड़ा ये तरीके लबैक वालों की आपने बात की, ये आ रहे दोबारा से कि जी फ्रेंच एम्बेसडर को निकाल दो, और ये वो जैसे आपने पहले कहा कि यूरोपियन कंट्री से पहले ताल्लुकात अच्छे नहीं है, लेकिन इनका इस्लाम उस वक्त कहाँ चला जाता है जब चाइना जो है वो एप्पल वालों से कहकर और उसमें से कुरान की ऐप जो है वो निकलवा देता है, उनके सारे जितने भी उनके मोबाइल है या ऐप जो भी एप्लीकेशन उनकी आती है, जो गैजेट्स आते हैं उसमें से कहते हैं जी कुरान की एप्लीकेशन निकाल दो, निकाल भी देते हैं। उसके बाद जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस कहते हैं कि जी मुझे हदीसों का जो है वो बिलीव नहीं है और बहुत सी ऐसी है जिसके ऊपर शक है, उस वक्त ये तरीके लबैक वाले ना तो और इमरान खान समेत कोई इन दोनों कंट्रीज को कुछ नहीं कहता, कोई प्रोटेस्ट नहीं होता, एम्बेसडर निकालने की बात नहीं होती, ये लोग जाके वहां पे धरने नहीं देते और खान साहब भी कोई स्टेटमेंट नहीं देते, तो ये तो एक तरह का ड्रामा ही लगता है। और अभी भी जो तरीके लबैक वाले आए, आप जानते हैं पिछली दो बार आए थे, पैसे लेके चले गए थे, अभी भी लग रहा है किसी ने इनको भेजा है, कोई ने जो है सपोर्ट है किसी तरफ से, तभी तो ये निकले हैं। और अक्सर आप जानते हैं कि इस तरह के लोग को कौन भेजता है और कैसे भेजा जाता है और क्यों भेजा जाता है। देखें पहली बात तो यह है कि हमारा वजीर दाखिला सुने दुबई बैठे हुए हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर दुबई बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में धरने हो रहे हैं, इमरान खान साहब अमरीका सऊदी अरब चले गए हैं, डीजीआई ऐसा अपॉइंट नहीं हुए नहीं जिनका नाम निकला हुआ है, इस वक्त लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो ऑटो पर चल रहे हैं, सारे मतलब सारे जो लोग हैं वो बड़े बड़े वो बाहर बैठे हुए हैं जिन्होंने स्टेटमेंट देनी है, और डीआरबी वाले सुने वो लाहौर से चल पड़े। आप इमेजिन नहीं कर सकते इस्लामाबाद में कितनी पैनिक, ये इतनी पैनिक है यहाँ पे, लोग घरों में काम करने वाली नहीं आ रही, लोग स्कूलों में नहीं जा रहे, बच्चे कॉलेजों में नहीं जा पा रहे, यूनिवर्सिटियां बंद है, फलां चीज बंद है, बाहर ना निकलिएगा, ये ना कीजिएगा, वो ना कीजिएगा, दिस इज वेरी वेरी वेरी। सर मैं भी इस्लामाबाद में बैठी हूँ, मैं कौन सा लंदन में हूँ, बिल्कुल ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके जिम्मेदार तो यही लोग है ना, यही यही पॉलिटिकल पार्टीज है, यही गवर्नमेंट है और यही एस्टैब्लिशमेंट है। पहले भी आपको याद होगा तस्वीर आई थी कि वो हजार हजार के नोट बांटे जा रहे थे और हमारी आर्मी के ही लोग थे जो बांट रहे थे, और अभी भी जो तस्वीरें हजार हजार के नोट बांटे जा रहे थे ना वो इतनी अच्छी तस्वीरें नहीं थी, वो मैं हालांकि इसमें यही कहना काफी है कि वो इतनी अच्छी तस्वीरें नहीं है कि जिसको डिस्कस किया जाए, और वो अगर आपने दिए भी हैं नोट और वो क्योंकि लोगों को घर जाने के टाइम चीज के भी थे वो, तो मतलब इस तरह तो कोई वीडियोस नहीं बनाता और नहीं करना चाहिए, और देन फिर हमें पता है कि बहुत सारी चीजों में हमारा अदारे पोलिटिसाइज हुए होते हैं, दिस इज नॉट फेयर गेम, वन थिंग। सेकंड बात, मैं तो इस पर टीएलपी में मेरी बड़ी क्लैरिटी है मैडम, टीएलपी पे क्लैरिटी ये है, देखिए मेरी बात सुने, आपकी तीन बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पीएमएलएन एंड पीटीआई जो पावर में आती है, बाकी सारे तो कोलिशन ही होता है ना, इधर उधर से कोई इसके साथ अटैच होगा कोई उसके साथ है। तीन बड़ी पार्टियां, और तीनों पार्टियां जो हैं वो किसी हद तक माजी में या अभी थोड़ी प्रोग्रेसिव हैं, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन तो प्रोग्रेसिव है, इमरान खान साहब हार्डलाइन है, हॉक बनते जा रहे हैं, इमरान खान साहब हॉक हो गए, ये दोनों प्रोग्रेसिव होती जा रही है, प्रोग्रेसिव है मैं तो लोग बनता हूं। देखें आप पॉपुलर वोट लेते हैं, पॉपुलर वोट लेके आप चंद एक लोगों के हाथों ब्लैकमेल होते हैं, चंद एक लोगों के हाथों ब्लैकमेल होते हैं, पॉपुलर वोट किसी और के पास है, ब्लैकमेल कोई और करता है, ये क्या जिंदगी है हमारी, हमने 75 साल हमें मुसलमान करने में लगा दिए लोगों ने, मैं अपने घर में कितना मुसलमान हूं मेरा और मेरा खुदा जानता है, आप कोई क्वालिफाई कर सकती है मुझे, तो मैं आपको कह सकता हूं कि आज वो अच्छी मुसलमान है या नहीं, हम 75 साल में एक बात बताऊं, हमारा हमारी तरक्की ना करने का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, और हमारे सब हम लोगों की जो सोच है ना वो लुक इनवर्ड, हम अंदर की तरफ देखते हैं, दुनिया ना वो बाहर की तरफ देखती है, हम अंदर की तरफ देखते हैं, लुक इनवर्ड है ना दो वजहों से, एक तो ये कि हम एक दूसरे पर टैग लगाते रहते हैं, तुम अच्छे मुसलमान नहीं हो और तुम अच्छे पाकिस्तानी नहीं हो, सारा टाइम लगे हुए हम एक दूसरे को गाली देते हुए, काम किया ना तुमने, तुम पाकिस्तानी नहीं रहे, ठीक है, आपके अंदर वो पाकिस्तानी नहीं है जो आप जो है ना वो दूसरे के अंदर, और वो कहता है मैं क्योंकि इस तरह का पाकिस्तानी, तुम्हें भी इस तरह का पाकिस्तानी होना चाहिए, एक मुसलमान है टीएलपी वाले, वो कहते हैं नहीं तुम अच्छे मुसलमान नहीं, वो मुसलमान दोनों जो हम कहते हैं, मतलब आओ सड़कों पे आओ, फ्रांस के से ताल्लुकात बहाल ना करें, आओ फलां करें, आओ डमकान करें, आओ तुम अच्छे मुसलमान नहीं हो, और जालिमों आओ जो इस मुसलमान बन जाए, उससे पहले दूसरे मौलवी से वो भी हम मुसलमान बना रहे थे, तो सारा टाइम हम लोगों को मुसलमान बना रहे हैं और लोगों का इम्तहान ले रहे हैं, क्या नेशनलिज्म क्या मजहब, और इस जिनमें कहते हैं चीज जोड़ा हड्डियां बह गया, भाई हर बंदा मुसलमान है यार, ये अल्लाह उसके रसूल का मसला है, वो किताब का मसला है, वो जानेगा जब वो उसकी जिंदगी, मुझे बात बताएं जो लोग अपनी जिंदगी में बाकी कामों में इतने स्मार्ट है उनको ये नहीं पता लाइफ आफ्टर डेथ के लिए मैंने कुछ अपनी प्रिपरेशन करनी, आप बताएं आजम साहब आप अपनी जिंदगी में इतनी स्मार्ट है, हर काम आप कर रही है, मैं अपनी जिंदगी में बड़ा अपने आपको 30 मार खान समझता हूं कि मैं ये भी देख रहा हूं ये भी कर रहा हूं ये भी, तो मुझे लाइफ आफ्टर डेथ का नहीं पता कि मैंने उसके लिए भी कोई प्रिपरेशन करनी है, ये दुनिया तो मेरे लिए आखिरी थोड़ी देर के ये सोचा जो हमारे मुसलमानों को दुआ, मुझे तो सर सीधी बातें कोई अट्रैक्शन नजर नहीं आती लाइफ आफ्टर डेथ में, क्योंकि वो तो सब मर्दों के लिए है, औरतों के लिए तो कुछ उन्होंने बताया कुछ नहीं है, तो आप लोग तैयारी करें, पूरे आपको मिलनी है, हमें थोड़ी कुछ मिलना है, हम तो जो मर्जी करेंगे, हमें तो बस यही लाइफ है, हमने यहाँ पे जो मर्जी हम जो करना चाहेंगे करेंगे, वहां पे तो आप लोगों ने तैयारी करनी सर, हमें तो एक टके की वहां पे अट्रैक्शन नहीं रखी हुई आप लोगों ने,
लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि ये तहरीके लबैक वाले अगर आज यूरोपियन कंट्रीज अनाउंस कर दें कि जी हम जो है सबको वीजा दे रहे हैं यूरोप का और किसी से कुछ नहीं पूछा जाएगा, तो ये सबके सब जो है वीजा की लाइन में लगे होंगे, बजाय ये कहते हैं कि एम्बेसडर को निकाल दो, इतने दोगले लोग हैं हम। लेकिन साथ ही चीमा साहब आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में जो है वो बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का एक्शन लिया, जो वहां पे उनके मंदिर वगैरह में नुकसान किया गया था और उनका गवर्नमेंट ने ये तक कहा कि हम सेक्युलर होने जा रहे हैं, तो ये मुसलमान मुसलमान के बजाय अगर पहले इंसान बन जाए सारे तो ज्यादा बेहतर होगा। बात करूंगी जाहिर है जब लाहौर की बात करें तो लाहौर का मौसम तो बहुत अच्छा है लेकिन हालात ठीक नहीं है, और हालात आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि क्यों ठीक नहीं है। कुछ दिखाया नहीं जा रहा मेन स्ट्रीम मीडिया पे और बड़ी इसको जो है वो दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सूरत हाल ये है अब तक कि टीएलपी का वो धरना जिसकी मैंने आपको 2 से 3 दिन पहले खबर दी थी और उस पर मैंने आपको फुटेज भी दिखाई थी और बताया था कि क्या होने जा रहा है, शुरू हो चुका था उस वक्त तक। अब मामला वहां से बढ़कर यहां तक पहुंच चुका है कि तकरीबन कहा जा रहा है 5 के करीब पुलिस वाले जो है वो मारे जा चुके हैं, कोई 3 कह रहा है कोई 2 कह रहा है, लेकिन तकरीबन रिपोर्ट्स ये बता रही है कि 5 के करीब, जिसमें टीएलपी के लोग भी जो उसके वर्कर्स हैं जाहिर है कि उनकी भी हलाकतें हुई होंगी, तो काफी गंभीर सूरत हाल है, बहुत ज्यादा संजीदा ये जो है ये सिचुएशन हो चुकी है, लेकिन इसके सीरियस लेने वाला कोई नजर बाद ये धरना टीएलपी का ये एक बहुत बड़ा धरना जो कि अब बन चुका है, जिसमें पहले की तरह आपको याद होगा उसी तरीके से वर्कर सड़कों पर मारे खा रहे हैं, गोली चल रही है, लाठी चार्ज हो रहा है, लोगों के ऊपर जख्मी हो रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद जख्मियों की बन चुकी है, और फिर वो इंटरचेंज की तरफ जा रहे हैं और वहां पर कालाशाह का कोई इंटरचेंज जो जगह जहां से आपको इस्लामाबाद की तरफ कंटेनर लगा दिए गए हैं उनको वहां पर जाने से रोका जा रहा है। और मैं आपको यह भी बताऊं कि ये क्यों शेख रशीद साहब भागे क्यों है मैच देखने के लिए, इसकी वजह यह होती है कि यहां पर हमने जिस तरीके से मजहब की आड़ लेके मजहब का इस्तेमाल करके हर हम सांस भी अगर कोई लेते हैं तो उसमें भी हम अगर मजहब का इस्तेमाल ना करें तो हम कहते हो ये क्या हो गया, तो जिस तरीके से हम मजहब का आड़ लेके इस्लाम की आड़ लेकर उसको अपने लिए ढाल बनाते हैं खासतौर पर हमारे पॉलिटिशियंस और ये तमाम लीडर्स, तो शेख रशीद साहब के लिए तो ये बड़ा ही मसला है कि वो टीएलपी के धरने को जो है वो उनको मारे लगवाएं, उनको रोकें, उनके ऊपर लाठी चार्ज करवाएं, इसकी वजह ये है कि वो तो बहुत ज्यादा डरते हैं सबके सभी, इन्होंने कह दिया कि भाई ये तो गुस्ताख है, इसने तो जो है ये देखें इस नबी के नाम पर एक धरना हो रहा था और इस नाम पर जो है वजीर दाखिला जो है उन्होंने ये कुछ करवाया, तो उनकी तो सिटी गुम हो जाती है उसी वक्त रशीद साहब की। मैं याद रखिए कि 21st सेंचुरी है ये, और 21st सेंचुरी में आप जब रिलीजन कार्ड यूज करते हैं तो आप अपने मुल्क को पीछे ले जा रहे होते हैं, आप एक रिग्रेशन के मूड में अपने मुल्क को ले जा रहे होते, आगे नहीं ले जा रहे होते। अगर आपने अगली सदी में पहुंचना है और अपनी इस जनरेशन को लेकर चलना है तो प्लीज मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर थोड़ी तवज्जो देने की जरूरत है कि रिलीजन कार्ड इस्तेमाल करना छोड़ दिया जाए, रिलीजन कार्ड इस्तेमाल अब करने से कोई फायदा नहीं होगा कहीं पर भी दुनिया में, क्योंकि आगे जो वक्त आ रहा है उसमें इसकी कोई गुंजाइश नहीं निकलती। हाँ आप अपनी जरूर कीजिए लेकिन इस तरह तो ना कीजिए कि जैसे बकायदा जो है आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ यही है और किसी को मालूम नहीं कि हो क्या रहा है, सड़कों पर क्या हो रहा है, इतने पुलिस वाले मारे जा चुके, पहले नहीं पता था क्या आपको, याद होगा पहले जब ये कुछ हुआ था कितने पुलिस वाले 8 को उन्होंने बनाया था हॉस्टेज और फिर क्या क्या हुआ था, कितने मारे गए थे, सबको पहले से पता था, लेकिन इसको रोकने के लिए कुछ नहीं किया गया। इस वक्त पाकिस्तान में वो कहते हैं कि इस वक्त हजूम की हुकूमत है, पाकिस्तान की कोई हुकूमत नहीं है, ना हमारी कोई हुकूमत जो है उस वक्त मुल्क को चला रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मॉब है जो कि बैंड मजहबी जमात का एक मॉब लाहौर से चला है और उसने पाकिस्तान की जितनी भी मेन जीटी रोड है उसको ब्लॉक किया हुआ है और हुकूमत खुश होती है ये बताते हुए कि हमने फलां इलाका क्लियर करवा लिया, इस वक्त 3 उन्होंने पाकिस्तान ने पुलिस के जो नौजवान हैं उनको शहीद कर दिया और हुकूमत खुश हो रही है कि हमने लाहौर का फलां इलाका खाली करा लिया या फलां इलाके में इंटरनेट बहाल हो गया, असल में क्योंकि वो लाहौर से इस्लामाबाद आ रहे हैं तो जो इलाके छोड़ते जाते हैं तो ऑटोमेटिक वो बहाल होते जाते हैं, अब आइंदा आने वाले जो शहर हैं वो सारे के सारे इस वक्त कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन तो ये बनता है कि पूछे कोई इनसे कि अगर सड़कों के ऊपर हजूम ने हुकूमत करनी है, अगर सड़कों के ऊपर मजहबी इंतहा पसंद लोगों ने हुकूमत करनी है तो किस तरह का पैगाम जा रहा है, क्या हमने वाकई ही हुकूमत या मुल्क एक मॉब जत्थों को दे दिया है, हमें हर दफा ये बताया जाता है, हर दफा ये कहा जाता है, हर दफा रियासत पाकिस्तान और उसके नुमाइंदे और हुकूमत हमें ये कहती है अपनी आवाम को कहती है कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे, लेकिन ये किस तरह की सिक्योरिटी है, ये किस तरह का इंतजाम है कि पिछले कितने सालों से एक मजहबी जमात जब उसका दिल करता है वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर देती है, जब उसका दिल करता है वो पुलिस के नौजवानों को शहीद कर देती है और उनको इंसाफ भी नहीं मिलेगा। अब वो जो 3 पुलिस के नौजवान शहीद हुए हैं और आइंदा भी पता नहीं कितने शहीद होने हैं, क्योंकि अभी तो हुकूमत ने उनसे लड़ना ही छोड़ दिया, अभी तो हुकूमत ने उनको रोकना ही छोड़ दिया और वो जीटी रोड के रास्ते इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, वो यहां पे फैजाबाद में धरना देंगे, इस्लामाबाद के दिल को वो रावलपिंडी इस्लामाबाद को बंद कर देंगे, इस्लामाबाद के अंदर जो सफारतकार है डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है वो तमाशा देखेगी, बैन अल-अक़वामी मीडिया जो इस वक्त अफगानिस्तान को कवर करने आया हुआ है, इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद में बैन अल-अक़वामी मीडिया लाहौर कराची और इस्लामाबाद में और मेजोरिटी लाहौर इस्लामाबाद में है जो इस वक्त कवर तो अफगानिस्तान के मौलवियों को और उलमा को और वहां पे तालिबान को कवर करने आया है, वो अब टीएलपी को कवर करेगा और बताया गया कि देखें जी कि वो पाकिस्तान जो कि अफगानिस्तान के उलमा को और तालिबान को कंट्रोल करने की बात करता है उसके अपने मुल्क के जो मौलवी हैं या मुल्क के जो फनाटिक्स को कंट्रोल नहीं होते, ना ये इलेक्शन पे यकीन करते हैं, ना ये डेमोक्रेसी को मानते हैं, ना ये वक्त की हुकूमत को मानते हैं, ना ये अपनी स्टेट के किसी कानून को मानते हैं, वो एक ही चीज मानते हैं और वो है कि जो उनकी डिमांड्स हो वो उनको उनकी एक्सेप्ट की जाए। अच्छा इंटरनल थ्रेट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल थ्रेट्स तो हमने बहुत बेचे, हमने बेच के एक्सटर्नल थ्रेट को बेचा, हमारे लोगों ने, हमारी हुकूमतों ने, हमारे अदारों ने एक्सटर्नल थ्रेट को फिलहाल खतरा उस मुल्क से खतरा इस मुल्क से खतरा, लेकिन आज पता चलता है 2021 की इस अक्टूबर में पता चलता है और पहले भी हमें पता चल गया कि सबसे बड़ा जो खतरा है किसी रियासत को वो इंटरनल है, पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी अचीव कर ली हुई है, अब जो आपको खतरा है वो उन फनेटिक्स से है जो मुल्क के कानून को नहीं मानते, अब हमने ये फैसला करना है कि क्या हमने अपनी स्टेट की रेट को एस्टैब्लिश करना है, हमने क्या अपने रियासत की जो
कानून को इम्प्लीमेंट करवाना है या हमने इनके हाथ में जत्थों के हाथ में दे देना है और हमने अपनी पुलिस की तजलील करवानी है क्या इन लोगों से। हमारी हुकूमतें इनको ना खत्म कर सकी। और मजे की बात यह है कि हम लोग इतने कमजोर हैं, हम लोग इतने बेचारे और बेबस हैं कि हम इनको बैंड कहते हैं। ये बैन की है हुकूमत पाकिस्तान, इस जमात को, इस जमात को बैन किया हुआ है। लेकिन अगर आप देखें तो ये इलेक्शन लड़ते हैं, इन्होंने रिसेंट पाकिस्तान में कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन हुआ उसको लड़ा। अब हम मुझे ये बताया जाए कि क्या एक बैंड जमात जो है वो इलेक्शन भी लड़ती है, वो पॉलिटिक्स भी करती है, वो सड़कों पे आती है, कानून की क्या रेट रह जाएगी? आपके मुल्क की क्या रेट है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन की क्या रेट है कि जब आप लोग अपनी मर्जी से अपने कानून को इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते? आज देखें अमेरिका यूरोप के अंदर वहां पर सप्लाई चेन का इशू बना, वो कहते हैं बड़ा ट्रक ड्राइवर नहीं है। किस मुल्क में लोग इस तरह जत्थों की शक्ल में निकलते हैं? ये सिर्फ पाकिस्तान में, उसकी वजह है कि हमारे हुक्मरान मजहब बेचते हैं, वो मजहब बेच बेच के सियासत करते हैं और फिर इन लोगों को जैसे कहते हैं ना दूध पिलाते हैं, ये इनको फीड करते हैं और इन लोगों के सहारे लेके अपनी छोटी छोटी सियासत करते हैं, अपने छोटे छोटे मकासद हासिल करते हैं इन मौलवियों को बेच के और इन मौलवियों की मर्जी की कानून साजी करके। और